गुड मॉर्निंग, आज मंडे है लेकिन आज बाहर का वेदर देखिए, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है और ये मेरा चाय और पेपर रेडी है। पापा ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर रहा है, 9 बजे से उसका क्लास स्टार्ट है। मैं भी चाय पी के निकलूँगा। यहाँ पे मोना है। गुड मॉर्निंग। मेरा आधा खाना बनाना हो गया, दाल आलू फ्राई और भात। गुड मॉर्निंग तिमी, गुड मॉर्निंग। ये देखिए तिमी अपना मस्ती में बिजी है। सुबह सुबह बाटी यहाँ से कहाँ लेके गया? तो ठीक है, मैं अभी निकल जाऊँगा चाय पी के। बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रहा है। तो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। गाड़ी लेके निकल सकता हूँ लेकिन मुझे 2-3 पेशेंट के घर जाना है, तो गाड़ी लेके जाना प्रॉब्लम है, इसीलिए वेट कर रहा हूँ बारिश कम होने का। पापा शुरू हो गया। अभी येलो का 0-0 आर है तो इसीलिए दोस्तों से बातचीत कर रहा है। थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट होगा, है ना बेटा? 9:00 से असेंबली है, तो उसके पहले 15 मिनट्स ये लोग को 0 आवर दिया जाता है। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, तो मेरे लिए है आलू की सब्जी और ये चपाती। मैं नहा लिया, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाऊंगा। एक बार मैं ऑलरेडी ऑफिस से घूम के आया, 2 कलेक्शन था वो भी कर लिया। ब्रेकफास्ट करके फिर जाऊंगा मैं। अभी मैं जा रहा हूँ माटीगरा और ये देखिए रास्ते में सुबह बारिश के कारण कितना पानी भर गया है। तो यही रास्ते से जाना है, एक्चुअली ओवरफ्लो हो गया है पानी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ सुबह। हम लोग का लंच हो गया, तो पापा अभी रसमलाई खा रहा है। रसमलाई खा के वो भी ट्यूशन जाएगा। आज 2 ट्यूशन है, 4 बजे से एक, 6:30 बजे से एक। बहुत पढ़ाई करता है, सारा दिन क्लास किया, फिर अभी 2-2 ट्यूशन, इसीलिए एक रसमलाई तो बनता है। ठीक है, तो मैं भी निकलूँगा पापा के जाने के बाद। मिलते हैं आप लोगों से ऑफिस जाके। अभी 8 बज गया और मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। आज बहुत काम का प्रेशर था, मेरा भी, दिलीप का भी। दिलीप भी आज बहुत लेट ही घर गया है, तो सारा काम अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स बाकी है जो मैं रात को एक बार ट्राई करूँगा, कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पेशेंट्स को भेजूँगा। तो पीछे बैकग्राउंड में पापा का पढ़ाई चल रहा है, ट्यूशन इंग्लिश, तो 8:30 बजे के बाद ही इंग्लिश ट्यूशन ख़त्म होगा उसका। आज बहुत प्रेशर हो जाता है मंडे को। और मोना वहाँ पे डिनर का तैयारी कर रही है। आज ज़्यादा कुछ दिखाने का रहा नहीं, था नहीं, तो डिनर में क्या है वो दिखाएंगे आप लोगों को। लंच भी मैं इतना जल्दी जल्दी किया कि आप लोगों को दिखा नहीं पाया, लंच करके निकल गया था। ठीक है, मैं डिनर के टाइम पे आप लोगों से फिर बात करता हूँ। हमारा डिनर रेडी है, ये है पराठा, अंडा तड़का, साथ में प्याज। मोना और पापा भी बैठ गए हैं और मैं भी अभी बैठूँगा। तो ये तड़का और पराठे के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग। ओके, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं और एक ब्लॉग लेके।